के एक छोटे से गांव में मातम का माहौल था। यहां एक हंसता खेलता परिवार रहता था। इस परिवार में एक पिता अपने दो बच्चों के साथ रहता था, लेकिन इस खुशहाल परिवार को किसी की नजर लग गई और एक ही झटके में पूरा परिवार ही खत्म हो गया। अक्सर हम देखते हैं कि बिहार में ऑनर किलिंग की घटनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ी उल्टी है, जहां बेटी की इच्छा से उसकी शादी उसके प्रेमी से हो जाती है, लेकिन प्रेमी ने बेवफाई कर दी, जिसका नतीजा 3 लोगों की मौत। नीरू नाम की लड़की बेगूसराय के एक गांव में रहती थी और हिमांशु नाम का लड़का पास ही के गांव में रहता था। दोनों में दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। जब नीलू के पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी से इस बारे में पूछा और उसने सब कुछ बता दिया। फिर परिवार वालों ने मंदिर में दोनों की शादी करा दी और कहा कि कुछ दिनों बाद तुम नीलू को अपने साथ ले जाना, जिसे बिहार में गौना भी कहा जाता है। लेकिन शादी के बाद लड़का हिमांशु अपने परिवार के बहकावे में आकर लड़की को रखने से इनकार करने लगा, जिसके कारण पिछले 1.5 साल से दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। हिमांशु के घर वालों पर आरोप लगा कि वो लड़की से 15 लाख रुपयों की मांग कर रही हैं, जिसके बाद ही लड़की को रखने की बात की गई। इसी सिलसिले में 15 लाख रुपए जमा हो जाने के बाद परिवार के लोग हिमांशु के घर नीलू को लेकर गए और इसी दौरान हिमांशु के घर वाले लड़की को रखने से इनकार करने लगे, जिसके बाद 15 लाख रुपए लेने के साथ ही एक के बाद एक 3 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें नीलू के पिता और भाई भी शामिल हैं। घटना के बाद लड़के पक्ष के सभी लोग घर से फरार हो गए। मृतकों की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के 60 वर्षीय उमेश यादव, 25 वर्षीय राजेश यादव और 21 वर्षीय बेटी नीलू कुमारी के रूप में की गई है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब